नमस्कार, आप सबों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना। हमारे मिथिलांचल में तो इसको भरदुतिया बोलते हैं, पर हम लोग भाई दूज बहुत लोग जानते हैं, तो इसीलिए दोनों के मैं भाषा बोल रही हूँ। तो चलिए भाई दूज की पूजा की तैयारी सबसे पहले दिखाती हूँ, फिर कैसे मेरे भाई जी आए तो मैं की पूजे मतलब उनका हाथ न्योता ली और उनके तरफ से क्या मुझे गिफ्ट मिला, सारा कुछ वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग जरूर बने रहिए, इस प्यार का भाई बहन के प्यार का मूल अनमोल है, तो वीडियो में अच्छे रहेंगे। ये देखिए भाई जी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा वीडियो में इनके साथ पूजा करने के बाद शूट कर ली। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं तैयारी क्या क्या की हूँ। जो फूल अवेलेबल था वो मैं ले ली, सारा कुछ देख रहे हैं। और चांदी का सिक्का ना हो तो नॉर्मल सिक्का भी रखे, एक आसनी बिछाते हैं वहाँ भी फूल बनाते हैं ऊपर, और एक जहाँ पर हाथ न्योता लेते हैं वो लगाते हैं। तो चलिए ये सब मैं अरेंज करके रखी हूँ, और भाई जी अब आएंगे थोड़ी देर में तो मैं भाई से ले लूँगी। छोटा वाला भाई तो दरभंगा में है तो उससे नहीं ले पाऊँगी मैं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा, दूर होकर भी उसको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तो चलिए भाई जी यहाँ आ गए हैं, तो उनके साथ एक दो फोटो ली हूँ। बाकी नोत जो लेते हैं हमारे में वो मैं दिखा रही हूँ। तो नॉर्मल तैयारी ही होता है इस पूजा का, तो देखिए यहाँ पर मैं नोत ले रही हूँ उनसे। ये हम लोग आपस में बात करते हुए बैठे हैं भाई जी, और ये बोलते हैं मंत्र के साथ लिया जाता है, गंगा जमुना का प्यार असीम है दोनों भाई बहन में। तो वही बोलते हैं कि हम उनको बुलाते रहते हैं, ले जाने के लिए रहते हैं, तो वो बोलते हैं बार बार बहन अपने घर भाई को बुला लेती है, तो यम कुछ कर नहीं पाते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि हमेशा बहन के घर चला जाता है और बहन का आशीर्वाद लेता है, तो कुछ इसी तरह की कहानी है। तो ये गंगा जमुना का प्यार है आपस का, तो वही मंत्र भी कहते हैं कि गंगा न तेछ जमुना के, होम न तेछ भैया के, जावत गंगा जमुना में बार ताबत हमर भैया के उड़दा। तो ये मंत्र पढ़ के तीन बार न्योत लिया जाता है हमारे में। बहुत लोग बजरी कूटते हैं, तो सबका अपना अपना रिवाज अलग अलग तरीके का होता है, पर सबका रिवाज एक ही जगह आकर मिल जाता है, वो भाई बहन का प्यार है। भाई के लंबे उम्र की शुभकामनाएं बहन मनाती है, तो यही त्यौहार है इसका। इस त्यौहार का मतलब यही है, भाई दूज का या राखी का जो भी है, इसमें दोनों को आशीर्वाद मिलता है, तो ज़रूर ये प्यार बना रहे। और आगे मैं दिखाऊंगी, ये करीब तीन बार हुआ था तिलक चंदन लगा करके, थोड़ा सा मैं फ़ोटो भी शूट करवा ली एक दो, पर उतना क्लियर नहीं आ पाया फ़ोटो, क्योंकि समझ नहीं पाए कि कहाँ से क्या लें। तो थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो आप लोगों के बीच लाने की मैं कोशिश की। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो का में बहुत प्यार छुपा हुआ है। बड़े को भाई रहते हैं तो बहन प्रणाम करती है, भाई छोटा रहता है तो भाई बहन को प्रणाम करता है, तो ऐसे ही ये हो गया है। अब जो भी आप चाय नाश्ता कराएं, खाना खिलाएं, इसके बाद सारा प्रोसेस होता है। और वो गिफ्ट मुझे हाथ में दे दिए हैं, सूट और प्रसाद लेकर के आए थे, तो वही है मैं दिखा रही हूँ अब कि क्या क्या था, आप लोग भी देख। ये सूट है, और दिवाली रात पूजा किए थे तो उसका प्रसाद भी भेजी है, तो प्रसाद भी है, ये बहुत ही अच्छा सूट है, और प्रसाद भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक ये चीज़ की बात नहीं है, एक खुशी मिलता है, हर तरह का ये प्रसाद है, तो आप लोग भी देखिए और ग्रहण कीजिए। मैं प्रणाम करके प्रसाद थोड़ा सा ले कर चुकी हूँ, खा चुकी हूँ पहले ही, तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, भाई दूज की तैयारी से लेकर के पूजा तक का। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पूजा की तैयारी से लेकर के भैया दूज के पूजा तक का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। मैं भी थोड़ा बहुत खाने बना करके तैयारी कर रखी थी कि थोड़ा थोड़ा खिला दूंगी, तो वही थोड़ा बहुत बनाई, जल्दी ही टाइम हो गया था, 11:30 ही बज रहा था,
फिर भी जो बन पड़ा थोड़ा बहुत मैं बनाई और भाई जी को आगे रखी भाई जी के, और मिठाई नमकीन सब भी। पर ये था कि आज एक चीज़ अच्छा था कि संडे था तो जल्दी जल्दी नहीं था, फिर भी जल्दी थोड़ा हो ही जाता है क्योंकि पूजा का टाइम करने के बाद होता है कि भूखे रहकर ये न्योता लेते हैं हम लोगों में। इसीलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप।